इसको इस घर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो घर घर ही रहेगा। आप इसको कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, आप इसमें दुकान नहीं कर सकते, आप इसमें एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो मान के चलिए कि बात तो वही रह गई कि सरकारें क्या कर रही है कि कंपनी को सहायता कर रही है, कंपनी को हेल्प कर रही है, उनका काम और आसान हो। एक कॉलोनी बना दिया जाएगा चाबगान में, आज से 10-15 साल बाद एक कॉलोनी बना दिया जाएगा चाबगान में, जिसमें सिर्फ चार मजदूर ही रहेंगे, और उस कॉलोनी को वहां से घर दिया जाएगा जिसमें एक बराबर का घर रहेगा, जिसमें एक छोटा सा रूम, एक किचन और एक छोटा सा बैल्कनी होगा। हमारे जितने भी चाय बगान है वहां पर ज्यादातर रहने वाले ट्राइब्स है, आदिवासी गोरखाली। हम लोग का एक अलग संस्कृति है, हम लोग का शादी करने का संस्कृति है, वहां पर बहुत सारे रीति रिवाज है जो हम लोग मानते हैं, जैसे कि मड़वा हो गया और भी बहुत सारे हैं, हल्दी चढ़ने से लेकर बहुत सारे। लेकिन वो सब हम लोग करेंगे कहाँ पे? जो चाय सुंदरी योजना में जो आंगन दिया गया है वो इतना छोटा है कि आप उसमें चार आदमी भी खड़ा नहीं हो सकते, इतना छोटा हुआ आंगन है। तो हमें चाय, हम जो चाय बगान के रहने वाले युवा हैं उनको जमीन का अधिकार क्यों चाहिए? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अगर पढ़े, हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं अपने पढ़ाई पर, इतना मेहनत कर रहे हैं अपनी भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, वो उज्जवल भविष्य हमारा अंधकार में ना हो जाए, इसीलिए ही हमें जमीन का अधिकार चाहिए। और आने वाले दिनों में एक आंदोलन छिड़ चुकी है जो पूरे नॉर्थ बंगाल में, जो पूरे नॉर्थ बंगाल में जमीन का अधिकार में लेके ही करेगी। आज अगर होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अगर आके बोलते हैं कि अगर हमारा सरकार आएगा तो हम आपको जमीन का अधिकार देंगे, वे यूं ही नहीं बोल रहे हैं। आज अगर प्रधानमंत्री आके बोल रहे हैं कि चाय बगान इलाका में जब वो मीटिंग करते हैं तब वो बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको जमीन का अधिकार देंगे, वो लोग यूं ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये चाय बगान के रहने वाले युवाओं ने एक आंदोलन छिड़ चुकी है। हम लोगों ने विधानसभा भोज से पहले कालचीनी से लेकर सिलीगुड़ी तक 8 दिन का एक यात्रा किया था, जिसमें हम लोग को पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ने पूर्ण समर्थन दिया था, किसी और संगठन ने नहीं दिया, किसी और संगठन ने हमको सहायता नहीं दिया इस आंदोलन को लेके जाने के लिए, लेकिन एकमात्र जो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति है उन्होंने ही सहायता किया हर एक कदम पे। तो इसी चीज से ही हम लोग को पता चलता है कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। ठीक है भाई, आप तो कीजिए अपना अपना राजनीति अलग अलग जगह में कीजिए, ट्रेड यूनियन है वो भी राजनीति कर दे, ठीक है, लेकिन आपके अगर सर के ऊपर छत नहीं रहेगा तो आप कहां पे जाएंगे? तो उस यात्रा को नाम दिए थे हम लोगों ने नवजागरण यात्रा, जो हम लोगों ने कालचीनी से लेकर सिलीगुड़ी तक किया था, 8 दिन का वो यात्रा था, 8 दिन का यात्रा था। पूरे चाय बगान में, पूरे नॉर्थ बंगाल में तराई और डोर से हम लोगों ने 60 बगान में अपना जो जागरण का, जो जागरूक का जो अभियान है वो हम लोगों ने चलाया था। हम लोगों को किसी से फंड भी नहीं मिला था, हम लोगों ने एक एक पैसा कलेक्ट कर करके, चंदा कर करके हम लोगों ने किया था। तो उस जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हम लोग आगे लेके जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी मौजूद है हमारे एडवोकेट लोग, जितने भी हमारे वुमेन राइट्स लॉ नेटवर्क के सदस्यगण, सभी से अनुरोध है कि आप लोग एक बार चाय बगान इलाके में आइए और वहाँ का परिस्थिति देखिए कि वहाँ का परिस्थिति क्या है। आप लोगों ने आज हमें इस मंच पे बुलाया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और जितना भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी उनका भी धन्यवाद, और इतना ही कहते हुए सभी का नमस्कार, जोहार, जय हिंद।